हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन स्टाइल में है। ये साउथ इंडिया की फेमस फूड है जो स्ट्रीट फूड तो है ही, साथ में हर घर में बनती भी है, जिसका नाम है मसाला आलू और पूरी। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना पूरी का, वो वाकई बहुत यमी है। मैंने इसे खुद ट्राई किया है और इसे अपने साउथ इंडियन फ्रेंड्स से सीखने के बाद ही मैंने इस रेसिपी को बनाया है, जो कि मुझे भी खा के बहुत अच्छी लगी थी। और आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो लिटरली बता रही हूँ, वीक में एक बार तो आप भी इसे बना के ज़रूर खाएंगे। और हाँ, इसके साथ जो बनने वाली पूड़ी है ना, वो आप यही वाली पूड़ी बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कभी साउथ इंडिया आएँ और घूमें कभी कर्नाटका, तो आपको पता चलेगा कि ये पूड़ी ही इसके साथ सर्व की जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3 प्याज और इसके साथ 3 आलू लेने हैं। दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। आलू को हमें इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेना है। और इसके साथ में 3 गाजर ली हैं। अगर गाजर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गाजर को भी इस तरीके से हमें फाइनली चॉप कर लेना है। और इसके बाद हमें करी लीव्स लेनी है। और तो करी लीव्स हमने एक बॉल भर के लिया है। 4 हरी वाली मिर्च ली हैं। मिर्च आप अपनी स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। पूड़ी बनाने के लिए हमने इसमें 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 1/2 कप हमने इसमें रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा लिया है। और 1/4 कप हमने इसमें सूजी लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन लेंगे और पैन में लगभग 3 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 छोटा चम्मच सरसों, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, करी पत्ता और स्लिट की हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करना है, हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और इसकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जब जो जीरा है और राई है अच्छे से चटक जाएगा, तब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। याद रखिएगा, प्याज और आलू का जो रेशियो है ना, वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं और 3 ही आलू लिए हैं, जो कि सेम साइज़ के हैं। प्याज हमारी जल्दी गल जाए, इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कुकिंग प्रोसेस में पहले भी नमक डाल रहे हैं और बाद में भी नमक डालेंगे। तो बस हमें इस 1 से 2 मिनट तक प्याज को भूनना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। इसके बाद जो कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, आलू और गाजर, वो इसमें डाल दीजिए। अगर गाजर नहीं है तो सिर्फ ये आलू और प्याज से भी बन जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और बच्चे तो इसे ना बहुत अच्छे से इंजॉय करके खा लेते हैं। बस अब इसमें हल्दी डालिए इसके कलर देने के लिए। इसके अलावा इसमें हमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ और सिर्फ नमक और हल्दी से ही इस सब्जी को तैयार किया जाता है। तो अब इसे डाल दीजिए। डालने को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हमें इसे कुक करना है। कुक करने के लिए क्या करना है, हमने इसे पानी डालना है। तो लगभग 2 बाउल मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए। और चलाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर करके इसे ढक देंगे। तो ढकने के बाद क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से पक जाए। तो पकने के लिए इसे हम छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरीके से जो आलू हैं और गाजर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी में जो उबाल आना शुरू हो चुका है और जो इसका प्रोसेस है वो पकना शुरू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है। बेसन डाल के ना उसे घोल बना लीजिए। और घोल बना के इसे इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद क्या करना है, आपको लगेगा जो आपका करी है वो थिक होने लगेगी, तो इसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। खूब सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और डालने के बाद इसकी ग्रेवी को जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, उसे पानी डाल के मेंटेन कर लीजिए। क्या होगा, बेसन से जो ग्रेवी होगी ना, वो थिक होना शुरू हो जाएगी, इसीलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। तो बस अब इसे अच्छी तरीके से ढक के कुक कर लीजिए। अगर थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रह गई है तो इसी स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो बेसन की वजह से इसकी थिकनेस और हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत देर तक इसे कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा पानी है, तो इसे हम ढक देते हैं ताकि जो इसका थोड़ा सा और पानी है, जो उसका मॉइस्चर है, वो थोड़ा सा और रिलीज़ हो जाए। देखिए सब्जी जो है हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें अभी ग्रेवी है, तो हमें बहुत देर तक इसको बिल्कुल ड्राई नहीं बनाना है, क्योंकि एंड में आप देखेंगे कि जो है ये थोड़ी देर बाद ना ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सोक हो जाएगी और ये जो बेसन की वजह से इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो बस सबसे पहले इसे सर्विंग बाउल में हम निकाल लेते हैं और पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने इसके लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप इसमें हमने मैदा लिया है और 1/4 कप सूजी लिया है। इन तीनों से ही जो यहाँ की पूड़ी है ना, कभी लगता है कि पूड़ी खा रहे हैं, कभी लगता है कि बटूरा खा रहे हैं। तो इसलिए हमने मैदा और आटा दोनों को ही 1/2 का रेशियो रखा है। आप भी इसी तरीके से इस रेशियो को रखिएगा।
अब हमें एक बड़ा बोल लेना है और इन सभी चीज़ों को छानने के बाद ही हमें यूज़ करना है। तो एक बड़े बोल में आटा, मैदा और सूजी डालने के बाद हमें इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी डाल देना है और आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। जो हमने चीनी इसलिए डाला है ताकि पूड़ी में ना कलर आ जाए, इसके लिए हमने इसमें चीनी डाला है। और एक छोटा चम्मच ही हमने इसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से बाइंड कर लीजिए, और बाइंड करने के बाद जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं नॉर्मल, उस तरीके से हमें इस पूड़ी का आटा लगा लेना है, जो कि पूड़ी का आटा बहुत ही सख्त होना चाहिए ये वाला आटा, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है तो क्या होगा कि सूजी पानी और एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को ना सबसे पहले आप कर लीजिएगा, ताकि जो आटा है इसे हम ढक के रखेंगे कम से कम एक घंटे के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले इसे हमें अच्छी तरीके से बाइंड कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहिए, और पानी डाल के इसका एक टाइट डो बना के हम रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसका डो बना लेना है। जो इसका आटे का डो है वो टाइट होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो आपकी पूड़ी है वो अच्छी तरीके से बेल नहीं पाएंगे और कुरकुरी भी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसका टाइट डो लगा लेना है। तो देखिए इतना ही टाइट डो इसका होना चाहिए बिल्कुल। अब इसे क्या करना है, आप चाहें तो इसे गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं, वरना सिर्फ कोई भी ढक्कन लगा लीजिए, और ढक्कन लगा के इसे कम से कम आधे घंटे के लिए तो आपको बिल्कुल रखना ही है। तो आधे घंटे के लिए इसे रख दीजिए, और रखने के बाद आधे घंटे बाद क्या होगा कि जो ये सूजी इसमें आपने डाला है ना, वो फूल जाएगी पानी की वजह से, जो आपका आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा कंपेयर देन जब आपने पहले इसके डो को तैयार किया था। देखिए इस तरीके से आप किसी चॉपिंग प्लेट पे या स्लैब पे निकाल लीजिए, इसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए, और मैश करने के बाद जिस तरीके से हम पूड़ी की गोली लेते हैं ना, चाहे तो आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, भटूरे जैसे होते हैं ना, उस तरीके से आप ले लीजिएगा, और जितना पतला आपको बेलना है ना उतना पतला ही आप इसे बेल के तैयार कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि इसके छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। और पेड़े बनाने के बाद मैंने आपको कहा ना कि जो पूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, तो इसे ना बिल्कुल आप आराम से तेल लगा लीजिए। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप और तेल लगा लीजिए। जो मैंने जो आटा तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, इसलिए चिपकने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गीला इस आटे को बेलेंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चिपकेगा, आपके जो बेचकला है उसे बहुत ज़्यादा चिपकने लगेगा। इसीलिए आप इसको आटा को ना थोड़ा सा टाइट डो ही अगर रखेंगे तो उसे बेलना भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप तेल लगा सकते हैं, और तेल लगा के आप इस पूड़ी को पतला बेल लीजिए। तो देखिए पूड़ी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो पूड़ी क्रंची होगी ना, वो इस पतली जो पूड़ी है उसी की वजह से होगी। जितनी पूड़ी आप पतली बेलेंगे उतना ही जो पूड़ी है वो क्रंची होगी। तो इस तरीके से हमें जो जितनी भी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेना है, पूड़ियाँ हम और बना के बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूड़ियों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए क्या करना है कि हमने एक पैन लेना है, और पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के बाद इसे भी अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही रखिएगा, और हाई फ्लेम पर डालिए। जब गर्म हो जाए अच्छे से हाई फ्लेम पर रखने के बाद, तो हमें क्या करना है, इस पूड़ियों को इसमें ड्रॉप करना है। जैसे ही आप इस पूड़ी को इसमें ड्रॉप करेंगे ना, इसमें ऑयल डालेंगे, ऑटोमेटिकली गुब्बारे जैसे बिल्कुल फूल जाएंगे, और बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन पूड़ियों को अच्छे तरीके से सेक लीजिए, और सेकने के बाद इन पूड़ियों को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो देखिए इस तरीके से जो पूड़ियाँ हैं वो कितनी अच्छी, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ये भटूरा है, और यकीन मानिए पूड़ी इतनी सॉफ्ट होगी ना, आप ये 3 से 4 पूड़ी भी खा जाएंगे तो भी आपके पेट में बिल्कुल भारीपन नहीं रहेगा, बिल्कुल हल्का ही लगेगा, अगर आप पूड़ियाँ पतली पतली बेलेंगे तो। अगर आप मोटी पूड़ी बेलेंगे तो भाई 1 या 2 प्लेट पूड़ी में ही आपका पेट भर जाएगा। तो चलिए हम इसे गर्मा गर्म इस पूड़ी और सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लेट में सब्जी निकालिए, और पूड़ी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ निकालिए, और इससे गर्मा गर्म इंजॉय करिए, और अपने घर वालों को खिला के इम्प्रेस करिए और तारीफ बटोरिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन सी तारीफ़ें सुनने को मिली। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएँ, और मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।